हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका कुकिंग स्टूडियो में। आज हम बनाएंगे चाइनीज पकौड़ा। ये बहुत ही ज्यादा चटपटा और सुपर टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप इसे रमजान में इफ्तार में बना या कभी भी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही कम टाइम पर और बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चाइनीज पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले कटा हुआ आधा कप पत्ता गोभी लेंगे और एक मीडियम साइज की प्याज को इस तरह लंबे स्लाइस में कट कर ले। ये एक गाजर है जिसे कद्दूकस कर लिया है। एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च भी इसमें कट करके ऐड करेंगे। चाइनीज पकौड़े में बेसन बहुत ही कम यूज होता है। यहाँ पर मैं सिर्फ आधा कप बेसन यूज कर रही हूँ इतनी सब्जियों के लिए। एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, आधी टीस्पून ये जीरे का पाउडर है, आधी टीस्पून ये ब्लैक पेपर है, आधी टीस्पून ये लहसुन का पेस्ट है और आधी टीस्पून इसमें अदरक का पेस्ट भी ऐड करेंगे। एक टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और एक टीस्पून विनीगर भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा और भी स्पाइसी बनाने के लिए रेड चिली पेस्ट एक टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। एक टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। दो टेबल स्पून इसमें गरम तेल ऐड करेंगे। गरम तेल ऐड करने से चाइनीज पकौड़े बहुत ही ज्यादा कुरकुरे बनते हैं। एक चुटकी जितना इसमें खाने वाला सोडा ऐड करेंगे। आधा कप इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें। यहाँ पर मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि सब्जियों में पानी होता है, तो इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे पकौड़ों का जो बैटर है। ये देखें, यहाँ पकौड़ों का मिक्सर बनकर तैयार है। दूसरी तरफ तेल को एक पैन में गरम कर लिया है। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए तेल बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर गरम ना हो, मीडियम तेल यहाँ पर गरम हो और यहाँ पर हम पकौड़ों को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। चाइनीज जो पकौड़े हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े ना बनाएं, इस तरह से छोटे छोटे आप मीडियम साइज़ के पकौड़े तेल में फ्राई कर लें। गैस की फ्लेम यहाँ मीडियम रखनी और मीडियम फ्लेम पर पकौड़ों को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर सुनहरा भूरा रंग का ना हो जाए। दो मिनट बाद इसे हम दूसरी तरफ से भी पलटकर फ्राई कर लेंगे जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं। इस तरह से हम दूसरी तरफ भी पलट देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट और फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को फ्राई करते हुए 4 मिनट हो चुके। ये देखिए, 4 मिनट में जो इसका कलर है काफ़ी चेंज हो चुका है। फ्रेंड, जो ये चाइनीज़ पकौड़े हैं बहुत ही कम टाइम पर टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट और फ्राई करेंगे। पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट और फ्राई कर लिया। ये देखिए, 2 मिनट फ्राई करने से ये ऊपर से काफ़ी अच्छे से कुरकुरे हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा इसे यहाँ नहीं फ्राई करेंगे। अब इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पकौड़े फ्राई करके तैयार करेंगे। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम टेस्टी बनकर तैयार हुए। इसे आप गर्मा गर्म हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व करें। ये देखिए, अंदर से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम क्रिस्पी ये पकौड़े बने हुए हैं। तो आप भी इसे बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें।